ओके पाचा चल 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 काना कहाँ जा रहे हो? हम भी आए तुम्हारे साथ? मारूंगा। अरे क्यों सता रही हो मेरे कान्हा को? लो नंदा रानी जी, हम लल्ला को नहीं सता रहे, उल्टा वो हमें सता रहे हैं। माखन चुराता है तब भी और माखन नहीं चुराता तब भी हम परेशान होती है, जब हंसता है तब भी, जब हम सिर उठता है तब भी हमारे प्राण वायकर होते हैं नंदरानी जी। इसके दर्शन होते हैं तब भी और इसके दर्शन नहीं होते तब भी हमारे प्राण निकल जाते हैं। नारायण नारायण, अब आप ही बताएं नंदरानी जी, कौन किसे सता रहा है? क्यों रे कान्हा? अब आप हमें जाने देंगी? आपको नंदरानी जी को किसने रोका है? आप जाइए, कन्हैया को हमारे पास छोड़ जाइए। क्यों? नारायण नारायण, प्रभु उन्हें भय लग रहा है, कहीं आप गोकुल छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं माँ और पिताजी के साथ सुंदर के घर जा रहा हूँ। दादी माँ से मिलने। आशीर्वाद दिया कृष्णा ने, आशीर्वाद दिया कृष्णा ने, रखा उनका मान। बाल रूप है भगवान, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा। पास प्रभु के आन रुक गए, पास जाओ उधर जाओ, फैल गए पहचान। जल्दी जाओ, मैं है भगवान। कन्हैया, तुम्हारी बातें कैसे मान ली इन गायों ने? माँ अपने बेटे का कहा मानती है, माँ है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, अब चले। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हरे हरे। ना निर्दय है कान्हा, पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा। अरे एक बार पलट कर तो देख,
काना दर्शन दे दो ना। पहुंचने में हमें कई योग लग जाएंगे। तुम नाराज क्यों होती हो यशोदा? मैं अपने लल्ला को अपने कंधे पर बिठा लेता हूं। कृष्णा को श्री नंद जी कंधे लियो बिठाए, खुश होकर श्री नंद जी पिता का कर्म कर लूटते प्रभु जी बाल आनंद। प्रणाम नंदराय जी। प्रणाम नंदरानी जी। प्रणाम। क्यों नंदराय जी, क्या आप भी काना के साथ माखन चुराने निकले? देखे जाए कृष्णा जी ने मटकी से माखन लियो चुराए। माँ माँ जल्दी आओ। क्या हुआ परशु, क्यों चिल्ला रहे हो? वो देखो कृष्ण आ रहा है। कृष्ण? तुम सत्य कह रहे हो बेटा, कृष्ण आ रहा है। हमारे तो भाग खुल गए। स्वयं कृष्ण हमें दर्शन दिए। आइए आइए। प्रणाम नंदराज जी। प्रणाम नंदरानी जी। प्रणाम। प्रणाम। कैसी हो यमी? कृष्ण की कृपा से ठीक हो नंदराज जी। आप आइए ना, अंदर आके थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आइए। नहीं यमी, आज नहीं। आज हमें जरूरी काम से पुष्पा ग्वालन के घर जाना है, फिर कभी आएंगे। नंदरानी जी, थोड़ी देर के लिए कृष्णा के साथ आप रुक जाते तो मैं फिर आऊंगी। अम्मी तो अपने घर में आया ही नहीं, कृष्णा क्यों नहीं आया? माँ, हमारे घर में एक ही गाय है ना, और वो भी दूध नहीं देती है, तो हम कृष्ण का आदर सत्कार कैसे करते बेटा? हम भगवान को दूर से ही नमस्कार करते हैं। परंतु तुम तो कह रही थी कि भगवान कभी ऊंच नीच अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रखते। हाँ बेटा, भगवान कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं। कृष्णा भगवान है ना माँ?
हाँ परशु, कृष्ण भगवान है। फिर वो क्यों भेदभाव कर रहा है? सबके घर में जाता है, हमारे घर में क्यों नहीं आता? बेटा, हमारे घर में मटका खाली है ना, हमारे भाग की तरह, समझे? आँखों में आँसू भरे, मन पे लागी चोट, आकर के भी द्वार से प्रभु गए दीमा। कौन आया है? मैं आ गया। सुंदर बेटे, कौन आया है? मैं। कौन? सुंदर बेटे, तुम? नहीं, कृष्णा। कृष्णा, मेरा कृष्णा आया है, मेरा कृष्णा। कहाँ है? अरे बहू, कृष्णा आया है। कृष्णा के लिए माखन लाओ। कृष्णा आया है, मेरा कृष्णा आया है। कैसे हो मेरी दादी माँ? हाँ हाँ, तुम्हारी दादी माँ। अरे बहू, कृष्णा के लिए माखन लाओ। मैं लाया हूँ। तू लाया माखन? मैं खिलाता हूँ। आओ। बहुत मीठा है रे, तेरे जैसा। मेरी तरह नहीं, आपकी तरह दादी माँ। नंदराय जी, आप नंदरानी, आप आइए बैठिए। नंदराय और यशोदा भी आए हैं क्या? आइए ना, बैठिए आप लोग। दादी बैठिए। नंदराय जी, कैसे पधारना हुआ? पुष्पा, हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं। तुमने दादी माँ को कमरे में बंद रखा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी कोई शिकायत नहीं है नंदा जी। शिकायत कृष्ण की है। मेरी प्रार्थना है तुमसे पुष्पा, दोबारा ऐसा नहीं करना। यदि फिर कभी ऐसा कुछ किया तो गांव के मुखिया होने के नाते इन्हें तुम्हें पंचायत के सामने बुलाना पड़ेगा। देखो पुष्पा, गोकुल एक परिवार है और मैं उसका कर्ता हूं। इसलिए तुम्हें संकेत देने के लिए आया हूं कि बड़ों का आदर सम्मान करो, उनका अपमान नहीं। चलते हैं हम। कन्हैया। दादी माँ, मैं जाऊं? जाओगे? दादी माँ, माखन लेके
फिर आऊंगा। चलता हूँ। नारायण नारायण भगवान, श्री कृष्ण ने पुष्पा ग्वालन के लाए हुए मटके की ओर देखा तक नहीं। देवर्षि, इसका अर्थ है पुष्पा ग्वालन की भक्ति अभी अधूरी है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठोर तपस्या करनी पड़ती है। पुष्पा ग्वालन भी भगवान की भक्ति करती है, परंतु उसकी भक्ति अभी परिपूर्ण नहीं है। भक्ति उसी की परिपूर्ण होती है देवर्षि, जो अहंकार को त्याग देता है। पुष्पा ग्वालन आज भी अहंकार के अधीन है, और जो अहंकार के अधीन है उसे निर्विकार की कृपा कैसे हो सकती है। जब पुष्पा अहंकार को त्याग कर श्री कृष्ण की शरणागत बनेगी, तब श्री कृष्ण की उस पर कृपा होगी। अर्थात श्री कृष्ण पुष्पा ग्वालन के घर का माखन चुराएंगे, यही ना भगवान? नारायण नारायण। एक छोटे से बच्चे को नहीं पकड़ सकते तुम चाड़ोर। पहले वो रात को आता था, अब वो दिन में आता है। पहले वो छुपते छुपाते आता था, अब वो सबके सामने आता है। और तुम्हारे द्वारपाल और द्वार रक्षक उसे पकड़ नहीं पाते चाड़ोर। महाराज, हम उसे शीघ्र अतिशीघ्र पकड़ लेंगे। शीघ्र शीघ्र कब चाड़ोर, शीघ्र कब? जब हम लोग गर्दन उतार देगा तब। क्या हुआ माते चाणूर? महारानी, वो कृष्ण दिन दहाड़े महाराज के कक्ष में आता है, महाराज को डराता है, धमकाता है। और कृष्ण कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ भी नहीं करता। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा मित्र चाणूर, हमारी पूरी सेना और सारे के सारे सेनानी कृष्ण से मिल रहे हैं। इसीलिए तो मैंने पिताजी को पत्र भेजा है महाराज। सम्राट जरासंध को? अर्थात अर्थात मेरे ससुर जी मथुरा आएंगे? हाँ महाराज, बस उन्हें संकेत मिलना चाहिए, वो अवश्य आएंगे महाराज। मैं तो बिना कारण भयभीत हो रहा था। छोटे, सम्राट जरासंध आ रहा है, देख रहा हूँ भैया। इसका साम्राज्य भी अधर्म की नींव पर खड़ा है भैया। पर भी हमें प्रहार करना है। सम्राट जरासंध की जय! सम्राट जरासंध की जय! भाभी ने अपने पिता सम्राट जरासंध को मथुरा बुलाने के लिए संदेश वाहक को भेजा है। तो इसमें विचलित होने की कौन सी बात है देवकी? एक पुत्री को अपने पिता से मिलने की इच्छा होना स्वाभाविक है। सामान्य स्थिति में स्वाभाविक है स्वामी, परंतु ना तो भाभी के लिए समय सामान्य स्थिति है और ना हमारे लिए। दिन प्रतिदिन भैया का पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। यदि यदि ऐसी स्थिति में सम्राट जरासंध जी मथुरा आए तो अपने जमाई की मनोदशा सुधारने के लिए वो गोकुल पर आक्रमण भी कर सकते हैं।
हमारे कृष्ण को? देवकी, ऐसा विचार नहीं करोगी तो तुम चिंता मुक्त रहोगी। कंस किसी बच्चे को अपना शत्रु मान सकता है, किंतु जरासंध जैसा महाबली, महाज्ञानी, विद्वान नहीं। परंतु हमारा कृष्ण? हमारा कृष्ण सकुशल रहेगा देवकी, सकुशल। जाएगा तब सारे धर्मियों का आत्मविश्वास टल जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।